कंप्लीटनेस, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में स्टार्टिंग के 14 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है एवरी के सेल इज कॉम्पैक्ट, यस ये करेक्ट है। इफ ई इज एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट के, देन ई हैज अ लिमिट पॉइंट इन के, ये भी करेक्ट है, ये थ्योरम है, इसका प्रूफ भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। कॉम्पैक्टनेस इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट, ये करेक्ट नहीं है। कॉम्पैक्टनेस इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट, कॉम्पैक्टनेस इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी यहां पर क्या है, एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर के हैज अ लिमिट पॉइंट इन आर के, तो ये स्टेटमेंट है वेरिस्ट्रस थ्योरम का, राइट। सो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। यहां आर के से मतलब क्या है, kth डायमेंशन, अगर r है तो वन डायमेंशन रियल लाइन, r2 है तो टू डायमेंशन प्लेन, r3 है थ्री डायमेंशन स्पेस एटसेट्रा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। लेट x इक्वल्स टू r सेट ऑफ रियल नंबर बी ए मीट्रिक स्पेस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पैक्ट, तो रियल मीट्रिक स्पेस r है और कुछ यहाँ पर सेट्स दिए हुए हैं, हमें देखना है कौन सा कॉम्पैक्ट है। तो जब भी रियल मीट्रिक स्पेस की बात हो तो सपोज ई हमारे पास कोई सबसेट है आर का, हमें देखना है ये ई कॉम्पैक्ट है या नहीं। तो हम पहले चेक करेंगे वेदर ई इज क्लोज, हम देखेंगे ई क्लोज्ड है क्या, और फिर देखेंगे ई बाउंडेड है क्या, राइट। अगर हमारा ई क्लोज और बाउंडेड है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और ये मेथड काम में कब आएगा, जब रियल मीट्रिक स्पेस रहे, राइट। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शन को हम चेक करेंगे वेदर इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड और नॉट। सो क्लोज इंटरवल है, थ्री भी इंक्लूड है, सेवन भी इंक्लूड है, तो ये क्लोज इंटरवल है, तो ये क्लोज इंटरवल हमेशा क्लोज सेट होता है, राइट। तो क्लोज तो हो गया, अब बाउंडेड कैसे चेक करेंगे, तो ये बाउंडेड भी है, इसकी मिनिमम वैल्यू थ्री है और मैक्सिमम वैल्यू सेवन है, और बाकी जो भी पॉइंट आएंगे बीच के वो थ्री और सेवन के बीच में होंगे, राइट। तो इसका मतलब ये जो इंटरवल है ये बाउंडेड है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्लोज भी है और बाउंडेड भी है, इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन देखें तो ये क्लोज नहीं होगा, यहां पर देखो ये इस तरह से सिंबल है, राइट, तो ये क्लोज सेट नहीं होगा। सी ऑप्शन भी क्लोज सेट नहीं होगा, और डी ऑप्शन साफ समझ में आ रहा है कि बाउंडेड ही नहीं है, राइट। मिनिमम वैल्यू तो जीरो है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, सो डी ऑप्शन बाउंडेड नहीं है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। तो इस मेथड से अगर आपको इस तरह का कोई सेट गिवन है तो आप चेक कर सकते हो कि वो कॉम्पैक्ट है या फिर नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x इक्वल्स टू r सेट ऑफ रियल नंबर्स, फिर से यहां पर रियल मीट्रिक स्पेस की बात हो रही है, बी ए मीट्रिक स्पेस। लेट a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस, देन, तो हमें एक सेट a गिवन है और एक सेट b है। अगर हम a में देखें तो a एक फाइनाइट सेट होगा, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, राइट, और b एक क्लोज इंटरवल है, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है, राइट। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ये क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है, तो ऑप्शन ए है, ए यूनियन बी इज कॉम्पैक्ट बट नॉट ए इंटरसेक्शन बी। हमें एक्चुअली बताना है इसमें कि ए यूनियन बी कॉम्पैक्ट होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हमारे पास दो कॉम्पैक्ट सेट हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी कॉम्पैक्ट होगा और उनका जो यूनियन है वो भी कॉम्पैक्ट होगा, राइट। ओवरऑल अब हमें देखना है ये सेट कॉम्पैक्ट है या नहीं और ये सेट कॉम्पैक्ट है या नहीं, राइट। तो कोई भी अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है तो वो हमेशा कॉम्पैक्ट होगा। जैसे अगर मैं एक सेट बनाऊं a इक्वल टू, इसमें 2 3 4 तीन एलिमेंट ले लिए, फाइनाइट है, या फिर मैं a इक्वल टू 1 2 3 up to 1000 इस तरह का सेट बनाऊं, तो ये फाइनाइट सेट है, और अगर सेट फाइनाइट है तो वो हमेशा कॉम्पैक्ट होगा, क्लियर है। तो a यहां पर कॉम्पैक्ट होगा और b कॉम्पैक्ट होगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया है कि b भी क्या होगा, यहां पर कॉम्पैक्ट होगा। व्हाई, बिकॉज b यहां पर क्लोज भी है और बाउंडेड भी है। तो हमारा कंक्लूजन ये हो गया, a भी कॉम्पैक्ट है और b भी कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब इनका यूनियन और इंटरसेक्शन भी कॉम्पैक्ट होगा, राइट। सो ऑप्शन c यहां पर करेक्ट आएगा, बोथ a इंटरसेक्शन b एंड a यूनियन b आर कॉम्पैक्ट। लेट अ सेट e इज द सबसेट ऑफ r, सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन कुछ स्टेटमेंट से हमें देखना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ई इज क्लोज एंड बाउंडेड, दिस इंप्लाइज ई इज कॉम्पैक्ट, ई इज कॉम्पैक्ट, दिस इंप्लाइज ई इज क्लोज एंड बाउंडेड,
एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ ई हैज अ लिमिट पॉइंट इन ई, दिस इंप्लाइज ई इज कॉम्पैक्ट, राइट? तो यहां पर सही आंसर आएगा ऑल आर करेक्ट. और ये आपको लर्न करना है, थ्योरम है. सपोज इसको अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट कहें, इसको सेकेंड कहें, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और सपोज ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, राइट? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, कोई भी एक स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो अदर टू को इम्प्लाई करेगा. सपोज इफ स्टेटमेंट थ्री इज करेक्ट, देन इट विल इम्प्लाय द अदर टू, लाइक वन एंड टू. ओके, तो तीन में से अगर कोई भी एक स्टेटमेंट करेक्ट है तो बाकी दोनों ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएंगे, राइट? इफ ई इज कॉम्पैक्ट तो हम कहेंगे ई इज क्लोज एंड बाउंडेड, एंड एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ ई हैज अ लिमिट पॉइंट इन ई. क्लियर है? तो यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. एक बात और ध्यान रखना है, हेनी बोरेल थ्योरम, राइट? तो स्टार्टिंग अगर हम इसका सिर्फ ये पार्ट लेते हैं तो इसको हम कहते हैं हेनी बोरेल थ्योरम. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सबसेट्स ए एंड बी ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स आर सेट टू बी सेपरेटेड इफ. तो यहां पर सेपरेटेड सेट का डेफिनेशन है, तो बहुत ही आसान है, आपने सेपरेटेड सेट का डेफिनेशन लर्न किया होगा, है ना? तो यहां पर ऑप्शन आएगा बोथ, दो सेट ए और बी सेपरेटेड होंगे. कब होंगे? इफ क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी आर एम्प्टी, राइट? तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा. लेट एक्स बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड ई इज द सबसेट ऑफ एक्स, अ सेट ई इज सेट टू बी कनेक्टेड. तो यहां पर कनेक्टेड सेट का डेफिनेशन आपको लर्न होना चाहिए. पहला ऑप्शन है इफ ई इज नॉट अ यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट, ई हैज नो सेपरेशन, इफ ई इज नॉट अ यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट ओपन सेट्स, राइट? तो यहां पर भी ऑप्शन आएगा ऑल आर करेक्ट. क्लियर है? तो हमारे पास अगर कोई सेट ई है तो उसे हम कनेक्टेड कब कहेंगे? अगर तीन में से यहां पर कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. ये तीनों ही डेफिनेशंस हैं कनेक्टेड सेट की, आप कोई भी एक डेफिनेशन यूज कर सकते हो, तीनों ही करेक्ट है. लेट एक्स इक्वल्स टू आर सेट ऑफ रियल नंबर्स बी ए मैट्रिक स्पेस, ए इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3 एंड बी इक्वल टू ओपन इंटरवल 3 to 5. देन हमें चेक करना है, दो सेट हमें गिवन है ए और बी, और मैट्रिक स्पेस है रियल मैट्रिक स्पेस. तो दो सेट हमें गिवन है ए और बी, हमें चेक करना है ये डिसजॉइंट हैं या फिर नहीं, सेपरेटेड हैं या फिर नहीं. ओके, तो डिसजॉइंट पहले चेक करते हैं. सो हमारा सेट ए है 1 to 3 और बी है 3 to 5. तो डिसजॉइंट के लिए हमें देखना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, मतलब सेट ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है या फिर नहीं है. ओके, तो ए 3 पर एंड हो रहा है और बी 3 पर स्टार्ट हो रहा है. ए में 3 इंक्लूड नहीं है, बी में भी 3 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब साफ है कि यहां पर इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, राइट? सो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, 5 है, राइट? सो ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, इसका मतलब ए और बी कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, राइट? अब देखेंगे सेपरेटेड, तो उसके लिए ए गिवन है ओपन इंटरवल 1 to 3, आपको इसका क्लोजर निकालना पड़ेगा. सो क्लोजर ऑफ ए को इस तरह से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल 1 to 3. अगर ओपन इंटरवल है तो उसका क्लोजर क्लोज इंटरवल 1 to 3. ऐसे ही बी का क्लोजर निकाल लेते हैं, बी का क्लोजर क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 3 to 5. हमें सेपरेटेड चेक करना है. आप बोलोगे सर यहां पर इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चेक करना है. नाउ क्लोजर ऑफ ए है क्लोज इंटरवल 1 to 3 और बी क्या है 3 5. अब आप चेक करो यहां पर कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, तो 3 यहां पर इंक्लूड है लेकिन 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, राइट? तो यहां पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो दिस इक्वल्स टू 5. ऐसे ही हम देखेंगे क्लोजर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, नाउ क्लोजर ऑफ बी इज क्लोज इंटरवल 3 to 5, इंटरसेक्शन ए है 1 to 3, राइट? तो यहां पर भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसमें 3 इंक्लूडेड है बट इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये भी आ जाएगा 5. क्लियर है? तो क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 आ गया, क्लोजर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए भी 5 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोनों सेट ए एंड बी कैसे हैं, सेपरेटेड हैं. तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी आर सेपरेटेड एंड डिसजॉइंट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा. लेट एक्स इक्वल्स टू आर सेट ऑफ रियल नंबर्स बी अ मैट्रिक स्पेस, ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस. देन यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, हमारे पास दो सेट ए बी हैं, हमें चेक करना है ये डिसजॉइंट है या सेपरेटेड है.
सो अगेन सेट ए है हमारे पास क्लोज इंटरवल 1 to 3 और बी है ओपन इंटरवल 3 to 5, क्लियर है। तो इन दोनों भी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी फाइव आएगा और यहाँ पर ए में 3 इंक्लूड है लेकिन बी में इंक्लूड नहीं है, राइट। तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो ए इंटरसेक्शन बी इज 5। तो यहां से क्लियर हो गया ए और बी दोनों डिसज्वाइंट होंगे, राइट, ए और बी डिसज्वाइंट होंगे। अब हमें सेपरेटेड चेक करना है, तो उसके लिए क्लोजर ऑफ ए निकालेंगे। क्लोजर ऑफ ए हो जाएगा क्लोज सेट 1 to 3 एंड क्लोजर ऑफ बी क्या हो जाएगा, क्लोज सेट 3 to 5। पहले हम निकालेंगे क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज इंटरवल 1 to 3 इंटरसेक्शन 3 and 5, राइट। तो यहां पर तो 3 इंक्लूड है लेकिन बी में 3 इंक्लूड नहीं है, तो ये आएगा 5। अब क्लोजर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे। नाउ क्लोजर ऑफ बी इज क्लोज इंटरवल 3 to 5 इंटरसेक्शन ए, तो ए सेट है हमारे पास क्लोज इंटरवल 1 to 3, क्लियर है। यहां पर चेक करो कोई एलिमेंट कॉमन है, तो 3 इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, तो इनके इंटरसेक्शन में 3 आएगा एंड विच इज नॉट इक्वल टू 5। तो आप कहोगे सर क्लोजर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट सेपरेटेड, ए एंड बी आर नॉट सेपरेटेड, क्लियर है। तो हमारा कंक्लूजन होगा ए एंड बी आर डिसजॉइंट बट नॉट सेपरेटेड। तो सही ऑप्शन होगा A and B are disjoint but not separated. Option A correct होगा। Which one of the following is incorrect? Incorrect statement देखना है। पहला statement है a compact set is connected और पहला ही statement correct नहीं है। A compact set is connected. It's not necessary. अगर हमारे पास कोई compact set है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो connected हो। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका कन्वर्स भी, अगर हमारे पास कोई कनेक्टेड सेट है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कॉम्पैक्ट होगा, क्लियर है। तो अगर कॉम्पैक्ट है देन इट्स नॉट नेसेसरी कि कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड है देन इट्स नॉट नेसेसरी कि कॉम्पैक्ट होगा। तो ऑप्शन ए यहां पर इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन बी अगर चेक करें द एम्प्टी सेट इज कनेक्टेड, ध्यान रखना है एम्प्टी सेट इज ऑलवेज कनेक्टेड, ओके। एंड ऑप्शन सी अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग मोर देन वन पॉइंट इज नॉट कनेक्टेड, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास अगर कोई फाइनाइट सेट है और उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है तो वो कनेक्टेड नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें एक ही एलिमेंट है सिंगलटन सेट है तो वो कनेक्टेड होगा। ऑप्शन डी सेपरेटेड सेट्स आर डिसजॉइंट बट डिसजॉइंट सेट्स नीड नॉट बी सेपरेटेड, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। सेपरेटेड सेट्स अगर हैं तो वो 100% डिसज्वाइंट होंगे, लेकिन अगर डिसज्वाइंट सेट है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेपरेटेड होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x इक्वल टू r सेट ऑफ रियल नंबर्स बी अ मीट्रिक स्पेस, यहां पर रियल मीट्रिक स्पेस की बात हो रही है और a एक सेट है क्लोज इंटरवल 2 to 7 है, b सेमी ओपन इंटरवल है 2 to 7 और c ओपन इंटरवल है 2 to 7 और d है ये भी सेमी ओपन इंटरवल है 2 to 7। हमें बताना है इसमें से कौन सा सेट कनेक्टेड होगा, इसमें से कौन सा सेट कनेक्टेड होगा, राइट। तो यहां पर ध्यान रखना है अगर हमारे पास रियल लाइन का कोई पार्ट है या कोई इंटरवल है, जैसे इस तरह का इंटरवल हो गया क्लोज इंटरवल 2 to 7 या फिर ये सेमी ओपन इंटरवल हो गया या फिर ये ओपन इंटरवल हो गया या इस तरह से हो गया, तो ये रियल लाइन का एक पार्ट है, इंटरवल्स हैं ये, तो रियल लाइन के कोई भी आप इंटरवल लोगे वो हमेशा क्या होगा, कनेक्टेड होगा, राइट। तो सही ऑप्शन आएगा ऑल आर कनेक्टेड, क्लियर है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। देखो यहां पर अभी हमने क्या कहा कि अगर रियल लाइन का कोई पार्ट लेते हैं, कोई इंटरवल लेते हैं इस टाइप का कोई भी, तो वो हमेशा क्या होगा, कनेक्टेड होगा, क्लियर है। अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर मैं कहूं कि रियल लाइन का या सेट ऑफ रियल नंबर का एक सबसेट ई है, एक सबसेट E है और ये कनेक्टेड है, तो फिर आप कहेंगे इसका मतलब ये जो E है वो इस टाइप का कोई इंटरवल होगा, क्लियर है। तो ध्यान रखना है अगर रियल लाइन का कोई इंटरवल लेते हैं तो वो कनेक्टेड होगा और रियल लाइन का अगर कोई कनेक्टेड पार्ट हमने लिया हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, इस टाइप का कोई
इंटरवल होगा, क्लियर है? सो ऑप्शन यहां पर आएगा ऑल आर कनेक्टेड. लेट इज द सबसेट ऑफ आर कंसिस्ट ऑफ जीरो एंड द नंबर्स 1/n फॉर n इक्वल्स टू 1, 2, 3. देन यहां पर कुछ ऑप्शन हैं. इस सेट E को हमें चेक करना है कि ये क्लोज है या फिर नहीं है, कॉम्पैक्ट है या फिर नहीं है, राइट? अब अगर क्लोज है तो कब होगा? इफ एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ E इज अ पॉइंट ऑफ E, देन E क्लोज हो जाएगा, राइट? E का कोई भी लिमिट पॉइंट अगर हम लें और अगर वो सेट E को ही बिलोंग करे तो ऐसी सिचुएशन में E क्लोज हो जाएगा. कॉम्पैक्ट कब होगा? तो यहां पर रियल मीट्रिक स्पेस की बात हो रही है. रियल मीट्रिक स्पेस में अगर इसका कोई सबसेट E है, इसे अगर हमें कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये क्लोज है एंड सेकेंडली ये बाउंडेड है, राइट? तो पहले हम देखते हैं E क्लोज होगा या फिर नहीं होगा. तो सेट E क्या है यहां पर? सेट E के एलिमेंट्स हैं 1/n के फॉर्म में. n को 1 रखो तो 1 आएगा, 2 रखोगे 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से. इस सेट का अगर हम लिमिट पॉइंट निकालें तो हमने डिस्कस कर लिया है पिछले लेक्चर्स में कि इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा 0. तो 0 इसका लिमिट पॉइंट है और 0 इसको बिलोंग नहीं करता, राइट? तो अभी इस सिचुएशन में ये क्लोज नहीं होगा. इस सिचुएशन में ये क्लोज नहीं होगा क्योंकि 0 इसका लिमिट पॉइंट है और 0 इसको बिलोंग नहीं करता. लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आपको E में 0 को भी इंक्लूड करना है, राइट? अब अगर हम 0 को भी E में इंक्लूड कर दें तो अब क्या होगा? अब 0 इसका लिमिट पॉइंट है और 0 इस सेट को बिलोंग भी करता है. तो अब आप कह सकते हो एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ E इज अ पॉइंट ऑफ E, राइट? तो अब इस सिचुएशन में E हमारा क्लोज सेट हो जाएगा, राइट? सो E इज क्लोज. तो इसकी पहली कंडीशन भी यहां पर सेटिस्फाई हो गई, E क्लोज है. अब हमें चेक करना है E बाउंडेड है या फिर नहीं. तो बाउंडेड के लिए आपको देखना है इस सेट में मिनिमम वैल्यू है क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, राइट? तो मिनिमम वैल्यू यहां पर 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है. बाकी के जो भी फ्रैक्शंस हैं 1/2, 1/3, 1/4, ये सारे इसके बीच में लाए करेंगे, राइट? तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, बाकी के सभी पॉइंट्स इसके बीच में आएंगे. तो इसका मतलब जो हमारा सेट E है वो बाउंडेड है, क्लियर है? तो हमारा सेट E क्लोज भी है और बाउंडेड भी है. तो इसका मतलब सेट E कॉम्पैक्ट भी होगा. तो कंक्लूजन ये है कि सेट E क्लोज भी है और कॉम्पैक्ट भी है. तो ऑप्शन यहां पर आएगा E इज क्लोज एंड E इज कॉम्पैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट X इक्वल्स टू R सेट ऑफ रियल नंबर्स बी अ मीट्रिक स्पेस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज कनेक्टेड. यहां पर रियल मीट्रिक स्पेस की बात हो रही है, आपको कनेक्टेड सेट निकालना है. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. आपको मालूम है ये सभी सेट फाइनाइट सेट हैं, राइट? तो जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं वो सभी कनेक्टेड नहीं होते, कनेक्टेड नहीं होते, डिसकनेक्टेड होते हैं. लेकिन अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है, तो वो कनेक्टेड हो जाएगा, राइट? तो ऑप्शन ए में एक ही एलिमेंट है 3, तो ये सेट कनेक्टेड हो जाएगा, बाकी के सभी सेट कनेक्टेड नहीं होंगे, मतलब डिसकनेक्टेड होंगे. तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है तो वो कनेक्टेड नहीं होगा, राइट? लेकिन अगर उसमें सिंगल एलिमेंट है तो वो कनेक्टेड हो जाएगा. तो सही ऑप्शन आएगा ए. 27th क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर एनी टू कनेक्टेड सेट्स इन अ मीट्रिक स्पेस एक्स, देन. तो यहां पर दो सेट हमें गिवन है, ए और बी. हमें बताना है कि इनका यूनियन भी कनेक्टेड होगा या नहीं होगा, राइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी इज कनेक्टेड इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, राइट? तो अगर ए बी कनेक्टेड है तो उनका यूनियन कनेक्टेड तभी होगा जब उनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 हो, मतलब उनके बीच में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो. ये बात सही भी है, हम आपस में कनेक्टेड तभी रहते हैं जब हमारे बीच कुछ कॉमन हो, राइट? तो यहां पर भी ए यूनियन बी कनेक्टेड तभी होगा जब उनके बीच कुछ कॉमन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, राइट? क्वेश्चन नंबर 28, लेट ए एंड बी आर एनी टू कनेक्टेड सेट्स इन अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स, देन. तो यहां पर भी दो सेट कनेक्टेड है. अब हमें इस बार इंटरसेक्शन के लिए बताना है. तो यहां पर सही ऑप्शन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी मे और मे नॉट बी कनेक्टेड, राइट? तो यूनियन में तो हमें मालूम है कि वो कनेक्टेड हो सकते हैं अगर उनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है. लेकिन इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा, हम कुछ कह नहीं सकते. वो कनेक्टेड हो भी सकते हैं और कनेक्टेड नहीं भी हो सकते, राइट? क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है. ये ओपन सेट और क्लोज सेट का क्वेश्चन है. आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है.
आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स नीड नॉट बी ओपन, ये भी करेक्ट है। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज, ये भी करेक्ट है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज ओपन, ये इनकरेक्ट है, यहां पर क्लोज जाना चाहिए, राइट तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। तो ये स्टेटमेंट भी हमें लर्न कर लेना है, राइट हमारे पास अगर ओपन सेट है तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन एंड आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। नाउ आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन बट आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन मे बी ओपन और मे नॉट बी ओपन, तो यहां पर ये इस तरह से डिनोट कर लेते हैं। और अगर क्लोज सेट की बात करें तो यहां पर भी आर्बिट्रेरी यूनियन एंड आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, राइट तो यहां पर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्लोज हो जाएगा लेकिन आर्बिट्रेरी यूनियन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस तरह से आपको इसे लर्न कर लेना है, इस पर से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन कंप्लीटनेस, कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यूज, तो आपको भी ग्रुप थ्योरी को रिवाइज कर लेना है। सो विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।